हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम एलजेब्रा के कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम। अब दोस्तों आपको जैसे कहीं भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इस फॉर्म में दे दिया जाए कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू हमारा ए के है, ए पर हमारी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उससे फॉरवर्ड, ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड मेथड। तो फॉरवर्ड करना यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फिर इससे फॉरवर्ड एक स्टेप और चलेंगे यानी कि एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम एक्स की पावर एट प्लस वन बाई एक्स की पावर एट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हम डायरेक्ट चलते हैं। अब सपोज़ कीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू, हम उसने वैल्यू दे दी फोर। तो अब वो पूछ रहा है कि अब इससे हम अगर फॉरवर्ड चलें, इसको हम फॉरवर्ड, एक इसका बैकवर्ड होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फॉरवर्ड चलेंगे तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, जो भी ये है हमारी, ये इसका फॉरवर्ड जो होगा ये होगा ए स्क्वायर माइनस टू। अब सपोज कीजिए ये वैल्यू आई हमारी बी के इक्वल, अब इससे हमें निकालना है ये वैल्यू, तो बी स्क्वायर माइनस टू। बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है यानी कि चार का स्क्वायर माइनस दो कितना हुआ, फोर्टीन। अब इससे एक नेक्स्ट आगे का स्टेप तो कितना होगा, 14 का स्क्वायर माइनस टू तो कितना होगा, 96 माइनस टू कितना हुआ, 194। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। और इससे अगर आगे जाना है आपको x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8, तो 194 का स्क्वायर माइनस टू इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही इसमें केवल बताने के लिए था। आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है दबा के। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आपका हाथ साफ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम बैकवर्ड मेथड पर यानी कि बैकवर्ड। अब आपको जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू हमारा किसके हैं, 119 के, तो हमें फाइंड क्या करना है, ये x माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ से जब हम इसका बैकवर्ड का मेथड होता है कि बैकवर्ड का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। दोस्तों इसका मेथड होता है डायरेक्ट आप इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट में जो ये वैल्यू है 119, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे और दो जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 121। तो कितनी वैल्यू आई, 11, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 11। अब यहाँ से हम दो तरीके से जा सकते हैं यानी कि यहाँ से हम x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। भाई जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, अंडर रूट 11, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये हमारा प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस दो करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 13। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई कितनी, अंडर रूट 13। और x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 11, वही अंडर रूट करना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा तो माइनस दो, तो कितना होगा, अंडर रूट 9। तो इसकी जो वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट 3, ये इसकी वैल्यू होगी। और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू, सेम इसी तरीके से ये हमारा बैकवर्ड काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें केवल ये साइन याद रखना होता है कि माइनस का है तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस का है तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको मतलब कि दो कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। एक तो x प्लस वन बाई एक्स अगर आपका दिया हुआ है वन के इक्वल, इफ़ ये आपका वन के इक्वल दिया हुआ है तो हम इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है वो x की पावर क्यूब हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस वन के। सेम इसी तरीके से अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वन के दिया हुआ हो, इफ़ ये बराबर माइनस वन, तो हम यहाँ से एक्स क्यूब बराबर हमारा वन के इक्वल होगा आएगा। दोस्तों ये आता है हमारा इसको सोल्व कर। तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है भाई, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस वन के होगा तो माइनस वन होगा, एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन। सेम इसी तरीके एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वन के होगा तो एक्स क्यूब हमारा वैल्यू किसके होगा, वन के इक्वल। दोस्तों ये क्वेश्चन में वहाँ पर काम आता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई एक्स की पावर 90, एक्स की पावर 87, एक्स की पावर 84 प्लस एक्स की पावर 81 प्लस अगर इतना हो
आपको इसकी वैल्यू फाइंड कर पा रहा है कि ये भाई ये क्वेश्चन दिया जाएगा आपको और इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसमें डायरेक्ट आप क्या करेंगे, और आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन के है। अगर एक्स प्लस वन बाई इक्वल्स टू वन के है तो इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको मालूम है कि एक्स क्यूब बराबर किसके होगा, माइनस वन के। माइनस वन के दोस्तों आपको करना यहाँ पर ये माइनस वन रख के नहीं, आपको केवल पावर का डिफरेंस देखना होगा। इन दोनों के बीच में पावर का डिफरेंस कितना है, तीन का है। तो तीन का है तो डायरेक्ट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखना है तीन का डिफरेंस है तो ये कैंसिल आउट। इसी तरीके से यहाँ पर भी तीन का डिफरेंस है, ये कैंसिल आउट। यहाँ पर आपको वैल्यू क्या बचेगी, ये बचेगा आपको। तो एक्स की पावर तीन किसके इक्वल था, माइनस वन के, प्लस वन, तो जीरो इज़ द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको पावर का डिफरेंस देख लेना है, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर एक्स की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 30 की पावर 3, वो एक्स की पावर 3 × 30। तो एक्स की पावर, वो 3 का मान वैल्यू क्या है, माइनस वन, इसकी पावर 30, तो क्या होगा, ये प्लस वन वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से यह आ जाएगा हमारा भाई एक्स की पावर 3, ये 87 किसके होगा, एक्स की पावर 3 की पावर 29, माइनस वन की पावर 29, तो क्या होगा, माइनस वन के इक्वल। तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से बस आपको पावर का डिफरेंस देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं करना आपको। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और जैसे आपको दिया गया है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 3 के है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करवाना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की। डायरेक्ट दोस्तों हम इस पर नहीं जा सकते, इसके लिए हमें स्टेप वाइज करना पड़ता है। यानी कि अगर हम इसका एक फॉरवर्ड लेकर चलें तो कितना होगा भाई, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, 7। एक तरीके से इसमें एक्स की पावर 4 यहाँ पर लेकर चलेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना होगा, 7 × 49 = 47। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक्स की पावर 4 और इससे हम डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 1 के इक्वल है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट उस पर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 47। अब इससे हम इस पर जा रहे हैं तो यहाँ पर जाने के लिए हम क्या करोगे, 47 में से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 2, तो √45 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो एक तरीका और है भैया, आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स। इसको एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3 × x − 1 / x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से वही पहले फॉरवर्ड जाएंगे यहाँ तक, अभी इससे हम इस बाहर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से हमें इस पर जाना होगा, क्योंकि मैं ये पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर से हम बैकवर्ड जाते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स पर, तो क्या मिलता है हमें भाई, इसकी वैल्यू कितनी थी, 7। इससे जब हम एक्स माइनस वन बाई एक्स पर जाएंगे तो कितना होगा, 7 − 2, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पर, तो कितना होगा, √5। तो 5, तो इसका डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, 3 √5। 3 को अगर अंदर ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर × 5 तो कितना होगा, √45। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।